क्या आपके भी फोन में आया है किसी तरह का इमरजेंसी अलर्ट? क्या आपके भी घर का सभी स्मार्टफोन एक साथ बजने लगा? अगर ऐसा है तो आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। दरअसल घबराने की कोई बात नहीं है, देश भर में कई स्मार्टफोन यूजर्स को आज और कल यानी इन दो दिनों के अंदर उनके फोन पर तेज बीप और फ्लैश लाइट जैसा जलकर अलर्ट मैसेज प्राप्त हुआ होगा। इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम की टेस्टिंग करने के लिए यह अलर्ट भारत सरकार से दूरसंचार विभाग द्वारा सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के माध्यम से भेजा गया था। मैसेज में लिखा गया है कि कृपया इस मैसेज को अनदेखा करें, क्योंकि आपकी ओर से किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। इसका उद्देश्य आपात स्थिति के दौरान समय पर अलर्ट प्रदान करना है। आपको बता दें कि सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम पर अत्याधुनिक तकनीक है जो बाढ़, भूकंप, सुनामी जैसी बड़ी आपातकालीन परिस्थितियों की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करता है, ताकि समय रहते सुरक्षा के कदम उठाए जा सके। सरकारी एजेंसियां और आपातकालीन सेवाएं जनता को संभावित खतरों की सूचना देने और गंभीर परिस्थितियों के दौरान महत्वपूर्ण अपडेट प्रदान करने के लिए सेल ब्रॉडकास्ट का उपयोग करती है। दरअसल राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सहयोग से दूरसंचार विभाग सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम का परीक्षण कर रहा है। इस परीक्षण का मकसद आपातकालीन स्थिति में लोगों को अलर्ट करना है, ताकि इमरजेंसी की स्थिति में ज्यादा से ज्यादा लोगों की सुरक्षा की जा सके, और ये अलर्ट मैसेज था। इन दिनों यह प्रयोग पिछले कुछ दिनों से बारी बारी किया जा रहा है। ऐसे में मोबाइल ऑपरेटर्स लोगों के मोबाइल में इमरजेंसी अलर्ट मैसेज भेज रहे हैं। ऐसे में मैसेज की तेज बीप सुनकर बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये केवल एक टेस्टिंग सैंपल मैसेज है। अगर आपके भी पास ऐसा कोई कॉल मैसेज गया है या इससे जुड़ी किसी भी तरह की आपको जानकारी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके सवाल कर सकते हैं।